आसिफ अली जरदारी कहते रहे कि जब इनको मुश्किल थी तो मैं जाके खड़ा हो गया, जब मुझे मुश्किल आई मैं मिलना चाहा तो नहीं मिला, तो मिसाक जमहूरियत भी कब निभाया है इन्होंने? देखिए ये जो खोड़ो साहब ने बात की है ना 2010 की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी पंजाब हाउस में 2010 में मेरी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से। मैंने पूरी 62-63 की बात नहीं की, ठीक, मैंने इनको कहा कि सिर्फ 62-1F जो है, सिर्फ 62-1F इसको ज़रा देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब इस मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब सी ये इसमें सारी जो है ना अल्फाज लिखे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इस पे कौन पूरा उतर सकता है। मैंने कहा होगा कोई दूर पहाड़ों में गारों में रहने वाला कुछ जो दुनिया से कोई ताल्लुक है, जिसका किसी दुनिया, इस आज की दुनिया से कोई, तो वो इस पे पूरा उतर सकता है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं इस पे पूरा उतरता हूँ तो फिर वो वलीउल्लाह ही होगा। मैंने कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं कॉपी भी साथ, मैं कॉपी भी साथ लेके गया था, तो उधर और चौधरी निसार साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने पढ़ के सुनाया, तो मैंने कहा आप इस पे पूरा उतरते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं उतरता, मैं कोई भी नहीं पूरा, इसको जरा देख लें आप। इन्होंने कोई नहीं उतरता। अच्छा, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है इस पर देखते हैं। शाम को मैंने रजा रबानी से पूछा, वो पीपल्स पार्टी के नेगोशिएटर थे, कि 62-1F की कोई बात हुई है? कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि आप थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर पर पाबंदी खत्म करवा दें, और हम कह रहे हैं कि सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दें, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं मान रहे थे, तो बस इस पर कंप्रोमाइज़ हो गया, हम थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर पर पाबंदी खत्म कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा पर मान गए हैं, 62-1F गायब होगी। तो ये है नजरिया इनका, ये मैं बल्कि उस वक्त तो ये मीर साहब कहते थे कि ये हमारा वोट बैंक किसके ऊपर है। बिल्कुल, ये तो ये नजरिया था उस वक्त कि हमारा वोट बैंक किसको माइंड करेगा कि अगर हम इससे हटते हैं तो ये तो प्योरली एक सादिक और अमीर, एग्जैक्टली, कि वो एक